आज हम आ गए हैं सिटी पार्क कोटा में मैच देखने। ये अपना सिटी पार्क और अभी चल रहा है अपना मैच, और मैच में अभी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है इसलिए बोरिंग है थोड़ा बहुत, पर जब शाम को भाई क्रिकेट में इंडिया खेलेगा ना तब मज़ा अलग ही होगा। दिस कॉल्ड ट्री मैन, क्या बात है। अपन आ गए अपनी फेमस कॉबो स्टाइल में। आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और मैच का लाइव स्क्रीन होगा यहाँ पे। मेरे से पाकिस्तान की टीम स्टार्ट कर चुकी है मैच खेलना और इंडिया वाले विकेट नहीं ले पा रहे हैं, अभी दो ही विकेट हुए हैं तो बोरिंग हो रहा है। तो अपन दूसरा घूम लेते हैं पूरा पार्क, उसके बाद अपन जाएंगे इंडिया की बैटिंग देखने और वो मज़ेदार रहेगा। तब तक घूमते हैं ऑक्सीजन पार्क। ये है सिटी पार्क कोटा, और कोटा के अंदर जाते ही यहाँ पे आएगा सबसे पहले मयूर चौक। ये है प्यारा मयूर चौक और बहुत अच्छा एंट्री है। ये मस्त वाले बना रखे हैं यार सिटी पार्क का। ये नहर है, यहाँ पे अपन बोटिंग कर सकते हैं। ये अपना इन्होंने चिड़िया के लिए बना रखा है, मस्ती वाली जगह है। चला ये है पूरी एवेरी। सो अभी हम यहाँ पर हैं, यू आर हेयर। यहाँ से अपन पूरा घूम के जाना है अपन को थिएटर में, यहाँ पे मैच चल रहा है, और उसके बाद अपन चाहेंगे वहाँ पे लौट जाएंगे घर पे। ये है कैनोपी, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और ये मस्त वाला झूला लगा रखा है। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार, यहाँ से अगर बोट निकलेगी तो कितना प्यारा लगेगा। तो हम नेचुरल ट्रेल से आगे बढ़ते हुए, ये है ब्रिज, और अब ब्रिज से ऊपर जा रहे हैं। ये है प्यारी सी नहर, अभी तो यहाँ पे खाली है, और मे बी बिकॉज यहाँ पे पैसा अभी बहुत ज़्यादा है, टिकट 100 रुपीज़ है, पर देखा जाए तो वर्थ है क्योंकि बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है। और ये मेरे पीछे सेव अर्थ का स्टैचू। एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है जितना लोग बोल रहे थे, इतना तो पैदल अपन घूमते ही हैं। नेचुरल ट्रेल के हिसाब से अगर आप जाओगे तो हाँ आप वॉकिंग कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि ये इधर उधर सब कुछ है। बीच में अपन गए नहीं, बीच में रात को जाएंगे, वहाँ पर जब देखना बहुत प्यारा रहेगा। ये प्यारा सा शीश महल सा बना रखा है वहाँ पे, और इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरी ट्रेल जा रही है यहाँ पे। ये तो खाली लग रहा है इसके बाद, और तो अपन आगे ही चलते हैं। ये नेचुरल जो रास्ता दिख रहा है इसी से, और इससे जाते जाते अपन पहुँच जाएंगे ऑडिटोरियम जहाँ पर चल रहा है फ्री में लाइव स्क्रीनिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच। वाह चलो सेकेंड ब्रिज, यहाँ से वो प्यारा सा दिख भी रहा है। और अब अपन क्या चलते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी मस्त हो रही है भाई। वहाँ पे शायद फाउंटेन है, पर वो अभी चल नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अरे वाओ ये फाउंटेन प्यारा है, दूर से पता लग गया होगा। नाउ दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे चलता है ये लेजर शो रात को, बहुत ही प्यारा दिखता है इस पर अभी दिन है इसलिए नहीं चल रहा, तो रात को आके वापस देखेंगे। ये है प्यारी पवन चक्की, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इल्यूजन क्रिएट होता है, और इसको बना रखा है इन्होंने बड़े में, ये भी हमेशा घूमती रहेगी अगर हवा चल रही है तो। ये आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा यहाँ से घूमता हुआ। दिस इज मेटल फाउंटेन, बहुत ही आलिशान दिख रहा है, बहुत बड़ा है, और देखा जाए तो अच्छी चीज़ है। और ये अपन यहाँ से चलेंगे अब राइट में, एक कोने से दूसरे कोने तक आ गए अपन, यहाँ है एमपी थिएटर। चलो ये इन्होंने बैठने की जगह बनाई है, बहुत ही प्यारी है फोटो वोटो खींचने के लिए। है अपना ओपन जिम, ओपन जिम तो पर एक बात है कॉमन सी होगी, पर ये टफ में बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। पर देखा जाए तो कोई भी 100 रुपये देख के यहाँ पर आएगा नहीं इसको करने के लिए। ये बीच में घड़ी बना रखी मस्त वाली। ये है यहाँ पे प्ले जोन, और
ये बच्चों के लिए है, तो अपना तो ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे। अरे वाह इंटरेस्टिंग, ये बुलबुलैया बनाया हुआ है। ये एसएल वर्ल्ड में भी अगर आप मुंबई जाओगे ना वहाँ पर बच्चों के लिए छोटी सी बुलबुलैया। ये प्यारी सी बैठने की जगह, और आपने ढोल नगाड़े सुन लिए होंगे। लोग एमबी थिएटर में आ गए शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, और ये मस्त सब बनाया हुआ है। इसको देखेंगे, वाह वाह। ये सॉर्ट ऑफ बोटेनिक गार्डन जैसा भी, रात की रानी, और आपको यहाँ पे मोगरा भी देखने को मिल जाएगा, मोगरा। और ये है जो चीज़, वो शायद बन रही है, नहीं तो पता नहीं क्या है, सिड़ीबाग कोटा UIT। ये है अपना एमपी थिएटर, सीटें तो यहाँ पे खाली है, बट देख सकते हैं यहाँ पे देखने का अलग ही मजा है। ये भाई अब आएगा मजा। आउट हो चुकी है, और अब अपन जा रहे हैं वापस घूमने, उसके बाद आएंगे जब इंडिया की टीम खेलना शुरू करेगी, तब तक एंजॉय करते हैं बाकी जगहों को। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन की लोकेशन है। आगे बोटिंग डेक पे, ओके तो हमने अपनी सेफ्टी जैकेट पहन ली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इस नाव का किराया 150 रुपये है, और देखते हैं कितना मज़ा आता है इस नाव में। एक बात है, बच्चों और बड़ों को ये राइड बहुत अच्छी लगने वाली है। कंप्लीट हो चुकी है, और कोई ओल्ड पर्सन हो तो उनके साथ जाने के लिए अच्छा है, बाकी इतनी बड़ी जगह नहीं है कि राइड की ज़रूरत पड़े। पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि सेफ्टी जैकेट सबको दे रखी, जो कि रेयर है। अच्छा है, पैसा भी ले रहे हैं, पर ठीक है, सही है। ये बना रखा है शीश महल, अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, जैसे शीश महल दिखाने के लिए शीश महल बना लिया, चलो सही है। ये है पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, यहाँ पॉइंट बना रखा है, वो अभी चालू नहीं हुआ है, देखते हैं। ये रात का माहौल है, और बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। Yeah.
आपको देखना चाहिए, ये है 3D मॉडल। वाव यार, यस सर, गुड करा। तो अब हम जा रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया और 100 rupees में तो यार बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच देख लिया, वो भी बड़ी स्क्रीन पे और इतने सारे लोगों के साथ, मज़ा आ गया। और हाँ, बस ये जो नाव है इतनी वर्थ नहीं है, पर ठीक है, बड़े पर्सन है वो कर सकते हैं। रात में ये और प्यारा दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आज का दिन पूरा हुआ। नेक्स्ट मीटिंग तक गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। टेक केयर।